நாலு அது என்னது ஓகே சோ गुड आफ्टरनून एवरीवन. सबसे पहले हम लोग आज के सेशन के बारे में आपको बता दें कि ये सेशन क्या है और हम लोग क्यों इसको रखे हैं. बिकॉज लास्ट मंथ जून वॉज वेरी वेरी फैंटास्टिक हम सबके लिए. काफी लोगों का जून में काफी अच्छा अचीवमेंट हुआ है. कुछ लोग अराउंड 20% से भी ज्यादा ग्रो किए हैं और 20% तो बेसिकली हर कोई ग्रो किया है, बट ऐसे काफी सारे लोग थे हमारी टीम में जो लोग मोर देन 100% से भी ज्यादा ग्रो किए हैं. तो अब 100% ग्रोथ आप खुद सोच रहे हैं कि अगर आज मेरी इनकम है 5000 रुपीज और हम अगर 100% ग्रो किए हैं तो मेरी इनकम नेक्स्ट मंथ में हो गई है सीधा 15,000 से 20,000 रुपए. सो आई एम श्योर आप में से सब लोग यही चाहते होंगे कि हमारी इनकम को हम 3 to 10 times इंक्रीज करें. और आज हम लोग आपको कोई भी थ्योरिटिकल ज्ञान नहीं देंगे, आपको आज हम लोग इसी चीज को लेकर हम लोग आज बात करेंगे और उन सारे अचीवर्स से ही सुनेंगे कि कैसे उनके लिए पॉसिबल हुआ ये अचीवमेंट को करना और उनके लिए कौन कौन सी चीज सबसे इजीएस्ट थी करने के लिए, कैसे वो लोग इस चीज को अचीव कर पाए. तो सबसे पहले लेट मी सी हमारी फर्स्ट अचीवर्स जो जिनको हम लोग शुरू करना चाहते थे, शी इज नन अदर देन हमारी न्यू सीनियर मैनेजर देवश्री दास. उनसे सुनेंगे, उनकी ऑडियो को हम लोग ऑलरेडी देवश्री दी अनम्यूट करूं. स्वाति की है और खुद भी कुछ अचीव करने की चाहत थी. तो हम लोग की टीम के जो कॉपर्क है जो मैं हेल्प में की मैं चाहत है तो उसके ऊपर से मैंने अचीव मैंने सोचा नहीं था, ड्रीम बनी तो उस ड्रीम को पूरा फुलफिल की. हम लोग की टीम की गाइडलाइन जो है दूसरे की टीम से थोड़ी अलग है और ज्यादा से ज्यादा घर बैठ के भी इतना कमाना पैसा अर्न करना अगर मुमकिन है मेहनत तो घर बैठ के भी हम लोग कमा सकते हैं, लेकिन लेकिन उसके लिए खुद टाइम और इंटरेस्ट और एफर्ट चाहिए. अगर वो कुछ ना देने से तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सब ट्राई तो करते हैं लेकिन एकदम ठीक तरह से ट्राई करना और वो मेरे टीम की है तो इसके ऊपर मैं कर पाई और आगे भी करूंगी अपने टीम को साथ लेके. ओके बाय. ग्रेट. सो काफी लोग देवश्री म्यूट करें इन, काफी लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि एक्चुअली शी इज इन नॉर्थ ईस्ट फैमिली से बहुत दूर और वहाँ पे थोड़ा सा उनको नेटवर्क की इशू है जिसके वजह से वो पहले ज्वाइन भी नहीं कर पा रही थी और ज्वाइन करने के बाद भी उनको थोड़ा साउंड में काफी लोग चैट बॉक्स पे लिख रहे थे कि मैं सुनने में दिक्कत आ रही थी. तो मैं जस्ट आपको ब्रीफ इतना ही करना चाहूंगी कि उन्होंने बोला कि हमारी सिस्टम जो है काम करने की वो दूसरों से डिफरेंट है, इसीलिए गारंटीड सक्सेस का जो फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं कि जो ज्वाइन करेंगे हमारी टीम के साथ और अगर हमारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली उनको सक्सेस मिलेगा. तो वही उन्होंने फॉलो किया, आगे भी करती रहेंगी. सो इट वाज ऑल फ्रॉम हर एंड 100 times से भी ज्यादा उन्होंने ग्रोथ किया लास्ट मंथ एंड दिस मंथ आई एम श्योर इसी लेगेसी को वो और भी आगे कंटिन्यू करेंगी. नेक्स्ट हम लोग जाते हैं हमारे सेकेंड अचीवर के पास जो है स्ट्रेट फ्रॉम जलपाईगुड़ी और उन्होंने लास्ट मंथ जून में अपना 2 titles एक साथ जंप किया था. शी वॉज अ 12% मैनेजर और लास्ट मंथ उन्होंने 15 and 18 जंप किया 2 titles टुगेदर. सो उन्हीं से सुनते हैं हमारी नेक्स्ट स्पीकर जो है वो है भार्गवी होम रॉय फ्रॉम जलपाईगुड़ी. गुड आफ्टरनून ऑल. हेलो. या गुड आफ्टरनून. हमने सुनते पाछी बोलो. हाँ, मैं सबको यही बोलना चाह रही हूँ कि मैंने जब ये ज्वाइन किया था तब मैंने कभी भी सोचा भी नहीं था कि मेरा ये इतना सक्सेसफुल बनेगा, लेकिन ये टीम का प्रोटोकॉल ही ऐसा है कि आप अगर डेडिकेशन से काम करोगे और अपलाइन के ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखोगे कोई नहीं रोकेगा. ये मेरा एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ और सब लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि मैं जानती हूँ आप सब लोग
नेक्स्ट टाइम इस आने वाले मंथ में सब लोगों को नेक्स्ट टाइम में बोलने का भी मौका मिलेगा और अपना अचीवमेंट भी दिखाने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि प्रोटोकॉल अगर मानोगे तो सक्सेस एकदम गारंटेड है। थैंक यू। यस यस भार्गवी, एकदम सही। नॉर्मली हर कोई अगर हमारी जो सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं, वो सिस्टम हम लोग हर किसी के लिए सेम है, तो ऐसा कभी पार्शियलिटी नहीं होता कि उसको ज्यादा मिलेगा आपको कम मिलेगा। अगर आप फॉलो करेंगे सारे सिस्टम को प्रॉपरली तो आपको भी वो सक्सेस बहुत आसानी से मिल सकता है और बहुत आसानी से आप उसको अचीव कर सकते हो। सो मूविंग ऑन, इसके साथ अब हमारे मैनेजर कैटेगरी में जाते हैं, जो कि न्यू मैनेजर्स बने हैं, उनसे सुनेंगे कि कैसे वो लोग अपने मैनेजर लेवल को अचीव कर पाए। एंड यहाँ पे भी मैं आपको बोलना चाहूंगी, डबल जंप है, जो लोग मैनेजर्स बने हैं। मेरी वॉइस आ रही है सबको? अभी आ रही है वॉइस प्रॉपर? ओके, आई थिंक कुछ लोगों की नेटवर्क इशू की वजह से वॉइस का इश्यूज आ रहा है। सो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर के पास, जो कि 6% मतलब कि सिर्फ 1000 रुपए की इनकम पे थे, बट लास्ट मंथ उन्होंने भी डबल टाइटल जंप किया है 9 and 12, और इस मंथ उन लोगों को अराउंड 4,000 to 5,000 की मंथली इनकम मिली है, और साथ में एक टाइटल मिला है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर बनने का। सो हमारे पास यहाँ पे हमारे दो मैनेजर्स हैं, गार्गी एंड संगीता। सो सबसे पहले हम लोग गार्गी को अनम्यूट करते हैं, सुनते हैं गार्गी से कि उनकी सक्सेस जर्नी कैसी रही। यस गार्गी, गार्गी अनम्यूट करो। यस गार्गी बोलो। गार्गी Yes, Gargi, unmute ache, bolo. I think there is some network issue. North East में यही issue है कि हमें achievements के बाद भी लोग बोल नहीं पाते, because there is always some network issue. But yes, network issues के वजह से उनकी achievement नहीं रुकती, achievement 2 times, 3 times होता ही रहता है. So एक बार last chance try कर लेते हैं Gargi को. Gargi, I think वो बोल रही हैं, but we are unable to hear. Okay, let's move on to संगीता. संगीता जी present हैं? संगीता जी? No, संगीता जी is also not there. चलिए, 12% मैनेजर्स हमारे दोनों आज प्रेजेंट नहीं है, तो अब हम लोग हमारे 9% अचीवर्स पे शिफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे खुशबू से सुनेंगे, शी इज ऑल्सो फ्रॉम कुच बिहार, और वहाँ पे भी नेटवर्क इशू होता है, बट खुशबू की वीडियो दिख रही है तो आई एम श्योर उसकी नेटवर्क सही है अभी। तो खुशबू से सुनते हैं, खुशबू भी रिसेंटली ही ज्वाइन किया है, बहुत टाइम नहीं हुआ है, जस्ट 3-4 months में खुशबू हैज ऑल्सो अचीव दिस 9% लेवल। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम खुशबू। Yes, Khushboo. Good afternoon, all of you. मैं ज्वाइन की थी मार्च में, तो फरवरी के लास्ट में ही मैंने ज्वाइन किया था, तो मार्च से मैंने अपना टारगेट स्टार्ट किया था। तो पहले पहले मुझे लगा धीरे धीरे, भार्गवी मैम, स्वाति मैम ने बहुत हेल्प किया, स्टार्टिंग फर्स्ट डे मैं थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी, उसके बाद मैम ने क्लियर किया ऐसे ऐसे है कुछ, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं काम करती गई, मीटिंग्स मैंने ज्वाइन किया ऑनलाइन, जितने मीटिंग्स होते थे जूम में स्टार्टिंग में मैं सभी ज्वाइन करती थी, अभी थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ। तो फिर धीरे धीरे मीटिंग्स ज्वाइन करने के बाद सब कुछ क्लियर हो गया और मैं फर्स्ट टाइम 3% लेवल ज्वाइन अचीव की थी, फिर नेक्स्ट मंथ मैंने 6% लेवल अचीव किया और फाइनली इस बार जून में मैं 9% लेवल पे आई हूँ। तो मैं टोटल क्रेडिट भार्गवी दी, मतलब मैम है बट मैं दीदी ही बोलती हूँ उनको, भार्गवी दी और स्वाति मैम को जाता है सब क्रेडिट, उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे समझाने में फाइनली, तो उसके बाद मैं ये लेवल अचीव कर पाई हूँ और आगे भी मुझे मतलब जाना है, अच्छे अच्छे लेवल्स अचीव करना है, जिसके लिए मैं मैम से हमेशा ही हेल्प लेती हूँ, मैं उन्हें बहुत परेशान भी करती हूँ। तो इस लॉकडाउन में भी मतलब ऑडिफ्लिम के जरिए मैंने इतना अच्छा बिजनेस किया, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, मैं
किसी का सुन के नहीं बोल रही हूँ, मैं सीरियसली पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं जब ज्वाइन की थी मुझे नहीं लगा था कि मैं इतने अच्छे जगह पे आऊंगी, तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं सबको बोलती हूँ सीरियसली अपलाइन पे बिलीव करो और काम करो, बहुत जल्दी बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं और इस बिजनेस को और आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट, चलो ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी जल्दी मैनेजर बनने देखना है हम लोगों को भी तुमको। थैंक यू। okay. जरूर। अब 9% पे हमारे नेक्स्ट एक और हमारी जयगांव से हमारे पास है जो है मनीषा। मनीषा अगर सुन पा रहे हो, आई एम अनम्यूटिंग यू, अब अपनी जर्नी थोड़ी सी शेयर करो। यस मनीषा। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एक्चुअली सुनाई दे रहा है? यस यस यस, ऑडिबल हो, आराम से बताओ। हेलो। यस वी कैन हियर यू मनीषा, बोलो। मतलब जब मैंने ये ओरिफ्लेम का मतलब जब मेरा दोस्त ने ओरिफ्लेम का स्टेटस डाला था तब मुझे पढ़ने का हुआ चाह हुआ, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो ऑल ऑफ सडन बाद में मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, फिर भी मैंने मतलब कोशिश किया तो अभी अच्छे से कर रही हूँ और 9% अचीव किया, ये मतलब बहुत है मेरे लिए। अभी मेरा टारगेट 2400 का है और नेक्स्ट मंथ तक मैं 24 टारगेट करने का ट्राई कर रही हूँ। अब लेट्स सी क्या होगा। ट्राई कर रहे हो तो डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। हम लोग ऑलवेज हैं, जल्दी से जल्दी हम लोग तुमको सपोर्ट करें। इससे 2400 क्यों, 10,000 होगा। ये जो ओरिफ्लेम है मुझे सब अच्छे से करके ही छोड़ना है एकदम, मतलब बीच में भी नहीं छोड़ना है, अटकना भी नहीं है। अच्छे से करके छोड़ने का मतलब क्या, छोड़ना ही नहीं है। चलो जी मैम, थैंक यू। नहीं बोलना है और कुछ बोलना है? ओके चलो, थैंक यू मनीषा। एंड आप लोगों ने सुना कि मनीषा ने किसी फ्रेंड का स्टेटस देखा था और स्टेटस देख के उसको बोला कि आप ज्वाइन, उनको ज्वाइनिंग करने की इंटरेस्ट आई और उन्होंने तब ज्वाइन किया। तो जब हम लोग बोलते हैं आपको कि आप कोई स्टेटस पे डालो प्रोडक्ट्स के या इंफॉर्मेशन की, आपको नहीं पता कि कौन कब इंटरेस्टेड हो जाए और कब इंटरेस्ट आ जाए कि वो अपना बिजनेस करने के लिए वो इंटरेस्टेड हो जाए। तो इसीलिए आप कभी भी ये मत सोचिए कि आपको, आप डिसाइड मत करो कौन करेगा कौन नहीं करेगा, लेट उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि कब कौन करना चाहता है। सो नेक्स्ट हमारी लास्ट 9% जो है वो है रिंकू दास। आई डोंट नो वो यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं। रिंकू दास, लेट मी सी। रिंकू दास इज नॉट देयर। हेलो रिंकू दी, आचे मैम मैं हूँ। आप अपना नाम है? अच्छी अच्छी। चलिए रिंकू जी से सुनते हैं। इनके बारे में पहले एक चीज हम बता दें, ये जून में अराउंड 15th जून के बाद ज्वाइन की थी। इन ओनली 10 टू 15 डेज काम करके शी हैज अचीव्ड 9%। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये मत सोचिए अगर आप अभी अपने 12% के लिए काम कर रहे हैं, 15% के लिए काम कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा इतना पॉइंट्स कहाँ से आएगा। यू नेवर नो, आपको अगर एक हफ्ते बाद रिंकू जैसे कोई डाउनलाइन मिल जाए और आपका एक 15 दिन में 1200 बीपी निकाल के दे दे, सो यू कैन। चलिए रिंकू जी से सुनते हैं कि कैसा रहा उनका ओरिफ्लेम एक्सपीरियंस, बताइए। गुड आफ्टरनून मैम एंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैंने फेसबुक पे पेज पे देवश्री मैम की एड देखी थी, तो उससे उनका नंबर लेके मैंने ज्वाइन की। तो ज्वाइन, आवाज आ रही है मैम? यस यस यस। हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए। तो देवश्री मैम का एड देख के मैंने उनको फोन किया, तो फोन करने के बाद मैंने ज्वाइन की। तो वैसे मैं बहुत पहले से ही ओरिफ्लेम का, ओरिफ्लेम प्रोडक्ट यूज करती थी, लेकिन बिजनेस का कुछ भी नहीं जानती थी मैं, कुछ भी नहीं। तो देवश्री मैम की हेल्प से मैं इतनी आई हूँ, तो आगे भी जानना है मुझे। Yes, बहुत सारी, आप बहुत लॉन्ग वे जाएंगे। यस मैम। एंड मैं सभी मीटिंग भी अटेंड करती हूँ। अभी मेरा छुट्टी है तो संभाल के मैं, मुझे आगे जाना है। यस डेफिनेटली, मैं आती हूँ।
हमारे बिजनेस में यही प्लस पॉइंट है कि आप घर को मैनेज करके काम कर सकते हैं, आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत yes, नहीं है। एंड yes. ये सबसे बड़ा एग्जांपल है, इनका बेबी भी बहुत छोटा है, बट छोटे बेबी के साथ घर को मैनेज करके अगर ये काम करके 15 डेज में 9% लेवल अचीव करके अराउंड 3000 तक की इनकम ले सकती है, तो 15 दिन में आई डोंट थिंक कि और कहीं हम लोगों को बहुत बड़ा इनकम आज के इस लॉकडाउन में कोई प्रॉमिस करेगा। सो कांग्रेचुलेशंस रिंकू जी, और भी अच्छा आपको करना है, एंड आई एम वेरी श्योर 15 डेज में yes, अगर आप yes. कर रहे हो, अगला महीना आप हम लोगों को बहुत अच्छा और गुड न्यूज से सरप्राइज करेंगे सबको। चलिए, ऑल द बेस्ट। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, सो ये हमारे 9% अचीवर्स थे। अब मूविंग ऑन, हमारे 6% अचीवर्स पे जाते हैं, जिन लोगों ने फर्स्ट एक इनकम, अच्छा इनकम जो हम लोग बोल सकते हैं 1000-1500 तक की इनकम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ओरिफ्लेम के साथ। उन अचीवर्स में से सबसे पहले हम यहाँ पे इनवाइट करना चाहेंगे संहिता गुप्ता, जो कि इनकी बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअली कैलकटा से हैं, बट इनके हस्बैंड वाज इन नासिक में ट्रांसफर हो गया था, तो जस्ट हस्बैंड से मिलने के लिए गई थी और फॉर अ वेकेशन, और उसी के बाद लॉकडाउन हो गया, एंड उस लॉकडाउन में फंस के शी स्टार्टेड हर डिजिटल वर्क, एंड उसके साथ साथ ही शी हैव बीन एबल टू अचीव दिस 6% लेवल। तो उनसे ही सुनते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ओवर टू यू संहिता दी। हेलो ओरिफ्लेमियंस, गुड आफ्टरनून। मेरी जो सक्सेस स्टोरी है वो आप इंस्टेंट नूडल्स वाला। वन सेकंड संहिता दी, बाय मिस्टेक इट्स हैड बीन म्यूट। संहिता दी अनम्यूट। या बोलिए, सुनाई दे रही है अभी? हाँ हाँ, अभी सुनाई दे रही है। मैं जो बोल रही थी कि मेरी जो सक्सेस स्टोरी है वो इंस्टेंट नूडल्स वाला स्टोरी नहीं है, उसे आप दम बिरयानी बोल सकते हैं कि जो धीरे धीरे पकता है लेकिन जब बनता है तो बहुत टेस्टी लगता है। क्योंकि मैंने 2012 में ज्वाइन किया है ऑडिटोरियम, ये 8 साल लगातार मैं सिर्फ एक VIP कस्टमर के तरह रही, क्योंकि मुझे सिर्फ ऑडिटोरियम से प्रोडक्ट्स यूज करने थे और डिस्काउंट लेने थे। मेरी खुद की एक बुटीक है, तो मैं बुटीक, बच्चे और घर संभालते इतनी बिजी थी और कोलकाता के ट्रैफिक झेल के मैं ऑडिफ्लेम के लिए काम नहीं कर पाई। लेकिन अभी जब मैं नासिक में हूँ तो मेरी बुटीक भी बंद हो गई और मैं बहुत डिप्रेस थी। फिर स्वाति, माई मेंटर, माई डायरेक्टर, माई स्पॉन्सर, कुछ भी कह लीजिए उसे, शी हैज नेवर लेफ्ट मी, मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा उसने। तो उसने मुझे ऑनलाइन कैसे काम करते हैं उसका पूरा ABC सिखा दिया, इस तरह से काम करते हैं। अभी मेरे पास एक छोटा सा टीम है, लगभग 25 लोगों का है, और वो टीम ग्रो कर रही है, एंड मैं बेबी स्टेप्स ले रही हूँ टुवर्ड्स सक्सेस, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि बहुत जल्द मुझे बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। और मेरी जो टीम मेंबर्स है वो यंग है, एनर्जेटिक है, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। मैं एक लास्ट चीज बोलना चाहती हूँ कि जो मैनेजर्स मीट हुआ था हैदराबाद में, तो कोलकाता ऑफिस में जब जाती थी प्रोडक्ट्स लेने तो गेट के बगल में एक बड़ा सा चारमीनार का कटआउट रहता था, तो वो मैं देखती थी और सोचती थी कि मेरे ये बस की बात नहीं है, मैं ये कभी नहीं अचीव कर पाऊंगी। लेकिन अभी मैं 200% कॉन्फिडेंट हूँ कि इस साल मैं जब वापस जाऊंगी कोलकाता तो मुझे ITC रॉयल बंगाल जाना है और सबके साथ जाना है, अब सबके साथ जाना है और मेरी पूरी टीम को लेके जाना है। तो थैंक यू स्वाति, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, यू आर माई शाइनिंग स्टार, एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो इट इज़ रियली पॉसिबल, एंड हमारा यही फोकस है कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं सबको हम लोग ITC रॉयल बंगाल क्वालिफाई करा पाएं, सिर्फ 1, 2, या 10 लोग नहीं, वी वॉन्ट एवरीबडी टू गो देयर, बिकॉज वहाँ पे ही आप ओरिफ्लेम की बिगर पिक्चर को देख पाएंगे, एंड जब आप बिगर पिक्चर को देखेंगे आप डेफिनेटली हाई सक्सेस की हाइट्स देख पाएंगे एक्चुअली कि कितना लोग अचीव कर लेते हैं यहाँ से। सो नेक्स्ट स्पीकर पे मूव करेंगे सरिता जी फ्रॉम पुणे, बट सरिता जी को मैं देख नहीं पा रही हूँ। सरिता जी अगर आप हैं इन सम अदर नेम तो काइंडली अनम्यूट करके बोलना स्टार्ट करिए। नहीं मैं हूँ, मैं हूँ यहाँ पे। आपने अपने नाम से लॉगिन नहीं किया राइट बोलिए सरिता जी के बारे में भी बोल दें, शी इज फ्रॉम पुणे, एंड ये भी महाराष्ट्र में टोटल लॉकडाउन है, बट टोटल लॉकडाउन होने के बावजूद शी इज ऑपरेटिंग वेरी वेल, बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, एंड इनका जो ओवरऑल काम का एक्सपीरियंस रहा है, रिजल्ट रहा है, दैट इज ऑल्सो फिनोमिनल। तो सरिता जी से ही सुनते हैं उनकी सक्सेस जर्नी। मैं सरिता कुलदस्तानी पुणे से हूँ, वैसे मैं CS हूँ, मैं काम करती थी बड़े पोस्ट पे, लेकिन मदर फादर बीमार, तो मैं तभी से एक बुटीक चालू किया था, तभी मुझे कोई ब्रांड वाला कॉस्मेटिक चाहिए था क्योंकि वुमेन्स के सब प्रोडक्ट मिलने चाहिए,
तब मैंने ये चालू किया था, तो इतना नहीं करती थी, थोड़े लेवल बहुत ही छोटा था। और अभी लॉकडाउन हो गया तो बुटीक वगैरह सब बंद हो गया, क्योंकि कुरियर भी नहीं जा पाते हैं प्रोडक्ट से। तब स्वाति जी ऑफ कोर्स पहले से मुझे बहुत एनकरेज करती रहती है, टीम बनाओ, लेकिन अभी डिजिटल काम चालू हो गया तो सिंपलर हो गया है। अभी मैं लोगों से कांटेक्ट कर पाती हूँ, ट्रेनिंग सब अटेंड करती हूँ और मैं एक्साइटेड हो गई हूँ, क्योंकि बहुत पहले मेरी आंटी भी करती थी, तब भी से मुझे वो अट्रैक्शन था ओरिफ्लेम का, लेकिन पता नहीं था कि मैं इतना कर पाऊंगी, इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया और डिजिटल ट्रेनिंग ली। अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट, रिकमेंडेशन भी अच्छे से कर लेती हूँ, और स्वाति जी का ये है तो बात भी ज्यादा कर लेती हूँ। मेरे घर में बोलते हैं तू इतना बात करने लगी, पहले इतना बात नहीं करती थी। स्वाति जी कीप्स ऑन लिसनिंग, लीड्स भी जनरेट करना चाहती थी, इतना लीड्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन स्वाति जी अभी भेजती है तो अभी मेरे पास इतने लीड्स पड़े हैं कि टाइम नहीं है बात करने को, लेकिन लेकिन अभी टीम है मेरी तो। और मैंने एक टेबल का चेयर बना के रखा है, थैंकफुली मेरे यहाँ छोटे बच्चे नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ बैठती हूँ तो सब समझ जाते हैं काम कर रही है तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। मतलब आप घर पे प्रोफेशनल बन गए। तो इसलिए वो छोटा सा घर में जगह बना लिया है, यहाँ जब मैं बैठती हूँ तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो घर में भी मैंने वो छोटा प्लेस ऑफिस का बना लिया है। और हाँ, टीम अच्छी है तो अभी मैं बातें नहीं करती हूँ सबको, लीड से बातें नहीं करती हूँ, और जब वो हो जाते हैं तो मेरी टीम में विद्या या बोली है तो उनको मैं दे देती हूँ कि अभी उनको रजिस्टर करवाओ और उनसे आगे की बातें कर लो। तो मैं सिर्फ मतलब तो इस तरह टीम वर्क बना, एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि नहीं कर पाते इतने लोगों से बात करने के बाद, रजिस्टर करना है, ये करना है तो। लेकिन मेरी टीम बहुत अच्छी है, मेरी टीम से एक फार्मर भी है सोनाली, वो भी अच्छी, उसकी सासू माँ भी उसको अच्छे से ये तो बोलती है ये प्रोडक्ट लेना, ये अच्छा है वो अच्छा है, तो मेरी टीम बहुत अच्छी है और अच्छे काम कर रहे हैं, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम, सब कर रहे हैं अपनी तरफ से। पूरी टीम ही बहुत अच्छी है एंड आई एम वेरी श्योर सबको बहुत जल्दी एकदम अच्छा वाला सक्सेस मिलेगा, कि सबके लाइफ में एक मेजर चेंजेस लोग फील कर पाएंगे। थैंक यू सरिता जी। और एक और चीज आप लोगों ने नोटिस किया, इन्होंने बोला पहले तो लीड्स उतने नहीं निकलते थे, अभी टाइम नहीं मिलता है कॉल करने का। लॉकडाउन में अगर हम लोग घर बैठ के बिजी हो गए हैं तो इससे अच्छा अचीवमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज लोग जो खाली बैठे रहते हैं क्या करते हैं, इसकी गॉसिपिंग उसकी गॉसिपिंग, बट यहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी काफी हाई हो जाती है, आप बिजी रहेंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं है किसी की गॉसिपिंग करने का, राइट। सो हम लोग बिजी बिजनेस वुमेन है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दुर्गा सरकार के पास। दुर्गा दी है, I think she is not there. Next, Shompa Burman भी बहुत अच्छा अचीवमेंट है, एक मंथ में ही 6% लेवल अचीव कर लिया ज्वाइनिंग के वेरी नेक्स्ट मंथ में, एंड अकेले पूरी बिजनेस की ओनरशिप लेके उन्होंने काम किया है। खुशबू शोम्पा दी है, आई थिंक वो भी नहीं मैम, okay. नहीं, वो उनके फैमिली में कोई बीमार है। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं केनी थापा के पास। शी इज ऑल्सो वेरी डायनामिक, बहुत अच्छे से काम कर रही है, एंड शी इज ऑल्सो फ्रॉम जयगांव, मिजोरम, नागालैंड में टीम है, एंड शी इज ऑल्सो वर्किंग वेरी गुड। तो केनी के पास चलते हैं, केनी वॉज देयर, केनी प्लीज अनम्यूट योर माइक। हेलो, यस केनी, वी कैन हियर यू, बोलिए। यस, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं ये सब सॉरी कहना, क्योंकि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। नहीं, हम लोग समझ पा रहे हैं और आप लोग का हिंदी हमसे ज्यादा क्यूट है। बोलिए। के सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, जो कुछ भी मैंने जून महीना में अचीव किया, सब टीम आप लोग का सपोर्ट से मैंने अचीव किया, और स्पेशली स्वाति मैम और बागुदी मैम, आप दोनों को स्पेशली थैंक यू सो मच फॉर बी माय टीचर, माय एडवाइजर, एवरीथिंग फॉर बी सो गुड टू मी। ये कितना जो हम लोग ने मिल के अचीव किया, वी डिड इट एज ए टीम,
एंड टीम वर्क इज द मेन रीजन बिहाइंड द सक्सेस. इसके लिए बहुत इवन मी आई एम सो एक्साइटेड. फर्स्ट में मैं जब ज्वाइन किए थी मैं प्रोडक्ट देखी मैंने बहुत अच्छी लगती थी मैं पहले से और जो बैग वगैरह देखे मुझको बहुत अच्छा लगता था. मगर जब मैंने ज्वाइन की और जब मैंने आप स्वाति मैम और बागोजी मैम से बात की उसके बाद मैंने बहुत खुद को बहुत मतलब पहले से और ज्यादा करने का इच्छा मन में आया और डिजिटली काम करने से तरफ से पहले से मतलब डिजिटली बहुत आसान लगा हमको क्योंकि हम किसी को घर में बिना बिजी करके हम लोग मतलब अपना काम और फिल्म बिजनेस किसी को एडवर्टाइज कर सकती हूँ. चलिए वी विश यू अ वेरी 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 बिग सक्सेस इन फ्यूचर. और वन थिंग अबाउट केनी इज हर मीटिंग में शी इज ऑलवेज एक्टिव. कभी भी कोई मीटिंग मिस नहीं करती हैं. अगर हम लोग भूल जाएंगे तो वो लिंक मांग लेती हैं कि लिंक दीजिए. तो इट इज वेरी मच लाइक गुड फॉर हर कि एक दो मीटिंग नहीं हर एक मीटिंग में हम लोग जो भी लिंक्स शेयर करते हैं एवरी मीटिंग शी इज वेरी मच एक्टिव. सो अगर आप मीटिंग ट्रेनिंग्स में एक्टिव हैं तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता है सक्सेस से सक्सेस पाने से. सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर के पास हु इज तापोशी दी निक न्यू 6% डायरेक्टली फ्रॉम त्रिपुरा. तापोशी दी अनम्यूट कर लो. हेलो. हां तापोशी दी बोलो. हां बोलो. हां मैम. हां मैंने मेरा अचीवमेंट पूरा स्वाति मैम और देवश्री मैम को जाता है. देवश्री दी उनके 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 मैं क्या बोलूं मेरा हिंदी बहुत बुरा है. देवश्री दी के बिना हिंदी में बोल नहीं सकती मैं. आपके सामने आपके सामने आती हूँ तो सब भूल जाती हूँ. नहीं बोलिए बोलिए. हाँ हाँ देवश्री दी के देवश्री दी मुझे देवश्री दी ने मेरे मुझसे कांटेक्ट किया. पहले मैं करती थी 2016 से मैंने ज्वाइन किया था. फिर मैं कुछ ऑफलाइन बिजनेस करती थी घर घर के जाके घर में जाके किसमें फ्रेंड में रिलेटिव में जाके प्रोडक्ट सेल करती थी. लेकिन अब ऑनलाइन होने से बहुत बहुत ये हो गया मेरा. हाँ तो घर में बैठ के सब कर सकती हूँ. लेकिन लॉकडाउन में सब बंद हो गया था. अब जब देवश्री दी के साथ कनेक्ट हुआ तो बहुत बहुत इंस्पायर हुई. मैं बहुत इंस्पायर हुई. पूरा क्रेडिट मैं देवश्री दी और स्वाति मैम को देती हूँ. पुश करती है मुझे देवश्री दी. कभी नेगेटिव मत सोचना पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव सोचो. हाँ देवश्री दी हर वक्त मुझे पुश करती है. इसके लिए मैं आज जो भी हूँ पूरा देवश्री दी के डांटती भी है प्यार भी करती है. फिर डांटने के लिए हम लोग सब फेमस हैं. मैं बहुत हाँ अगर नहीं डांटेंगी तो पूरा ये हो जाता हूँ ना. इसलिए इसका क्रेडिट पूरा देवश्री दी को जाता है और आपको तो जाता ही है. आप देवश्री दी को बोलते हैं देवश्री मुझे पुश करती है. बहुत बहुत अच्छा अचीवमेंट हुआ है. मैं चाहती हूँ नेक्स्ट करना चाहती हूँ. लेकिन कुछ अब ट्रेनिंग में ट्रेनिंग ज्वाइन करके ट्रेनिंग अटेंड करके मुझे बहुत बहुत नॉलेज हो रहा है. अब मैं समझा सकती हूँ. पहले मैं ये नहीं कर सकती थी. अब ये सीख कर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं कर सकती हूँ. मुझे भी करना है. मैं पहले मैं बात नहीं कर सकती थी. किसी को कॉन्विंस करना बहुत मुश्किल था. अब वो इतना इजी हो गया है. अब मैं स्मूथली एक लोग को समझा सकती हूँ कि क्या करना है किससे क्या बेनिफिट होता है क्या कैसे बिजनेस करना है कुछ प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट होता है सब मैं स्मूथ हो गया है. मेरे लिए बहुत इंस्पायर हुई हूँ. बहुत कॉन्फिडेंट आ गया है मुझ में. देखिए आप इतना अच्छा हिंदी इतना लंबा बोल लिए. हिंदी में बोल सकती हूँ मैम. लेकिन आप लोगों के सामने आ जाती हूँ ना तो घबरा जाती हूँ. बहुत अच्छा हिंदी बोले. यही है कि आप जिस चीज से शुरू में डर लगता है कि बिजनेस नहीं होगा या ये बहुत डिफिकल्ट है वंस आप करना शुरू कर देंगे और उसको आप बिना किसी झिझक के कंटिन्यू करेंगे ना तो अपने आप आपको उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा. और ट्रेनिंग सबसे बड़ा टूल है. हर दिन एक ही ट्रेनिंग को अगर हम लोग अटेंड करते हैं लाइक वेलनेस. मेरे टीम में ही एक है जो वेलनेस एवरी थर्सडे वाला कंटिन्यूअसली 3 weeks उन्होंने अटेंड किया और उसके बाद अभी वो इतना अच्छे से वेलनेस रेकमेंड करती है कि वी आर शॉक्ड.
तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट आपको आगे के लिए. और अब हम हमारे लास्ट स्पीकर से सुनेंगे हु इज तनुश्री दी जो त्रिपुरा से हैं. तनुश्री दी अपना माइक अनम्यूट करूँ. ये ऑल द वे त्रिपुरा से हैं. लास्ट मंथ से पहले ज्वाइन किया और उसी मंथ ये 6% बन गई. हेलो गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून बोलिए. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सुवाति मैम फॉर ऑफरिंग मी अ स्पेस हियर टू स्पीक. मेरा ओरिफ्लेम में ज्वाइन करना एकदम बिल्कुल से अचानक से हो गया क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन तो मैं एक टीचर हूँ. बिजनेस में मेरा पहले इतना इंटरेस्ट भी नहीं था और दूसरी बात मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता है. तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑफिस से फोन किया और बताया कि तुम एक कंपनी ज्वाइन करोगे बिकॉज उसके कॉलेज के वाइफ ही थे जो रिंकू मैम है. अच्छा. उनके साथ मेरा हुआ और फिल्म में एंड देन जब मैं एंटर किया तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया. और फिर देवश्री मैम की बात मैं क्या बताऊं, आई एम नथिंग विदाउट हर एंड रिंकू मैम. इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, मुझे काम भी समझाया, मुझे मोटिवेट किया कि ऐसा करो, ये अगर तुम टीचिंग लाइन में हो, अगर तुम इतने स्टूडेंट को पढ़ा भी सकते हो तो बिजनेस भी हो जाएगा. तो मैंने किया. मैं तो कहां जाऊं इन लोगों के लिए, मैंने मैक्सिमम प्रोडक्ट्स मैंने अपनी फैमिली में यूज किया क्योंकि वो उसी से रिजल्ट जब मुझे मिला कॉन्फिडेंस बढ़ता है. और जब मैम ने मुझे बताया कि देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू, मैं तो स्ट्रेंज हो गई, पता नहीं क्या सरप्राइज होगा. देन जब मुझे देखा कि मेरा फोटो आया 6% में, रियली अ बिग अचीवमेंट फॉर मी. और मैं इसलिए खुश हुई क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि वेयर माय हस्बैंड इज एनकरेजिंग मी. जब मैं टीचिंग लाइन में जाती हूँ तो इतना खुशी उसको नहीं मिलती है, पता नहीं पर क्या, वो मुझे एनकरेज तो करती है पर आई फील कि देयर इज समथिंग कि लैक हो रहा है अभी. पर ये क्योंकि शायद वो भी थोड़ा बहुत बिजनेस में है तो उसने मुझे मोटिवेट किया. और फिर ऐसे रिंकू दी को वो पर्सनली जानते हैं तो आ गया. मैं कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं आगे. और भी आप बहुत आगे जाएंगे. फर्स्ट मंथ में हमने 6 अचीव किया है, आगे आने वाले टाइम में आप और भी आगे जाएंगे. सो ऑल द वेरी बेस्ट और थैंक यू सो मच. सबसे सुनने में बहुत अच्छा लगा, इसीलिए वी कीप दिस सक्सेस सेमिनार. और नेक्स्ट टाइम हम लोग ऐसा करना चाहते हैं कि टाइम शॉर्ट हो जाए और लोगों का बोलना खत्म ना हो. वी हैव कवर्ड मोर ऑर लेस सबको आज. एंड अगर जो लोग आज नहीं बोल पाए हैं, डोंट वरी, गिव अप मत करिए या सैड मत होइए. ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको ओरिफ्लेम देता है जहाँ पे आप एक महीने में भी काफी मैजिक क्रिएट कर सकते हैं. सो इस मंथ भी, जुलाई में भी टाइम है, जुलाई में भी अच्छे ऑफर्स हैं. प्लान करिए. हमारा फास्ट ट्रैक प्रोग्राम ऑलरेडी है बहुत सारे लोगों के लिए. जो लोग फास्ट ट्रैक में जाएंगे उनको सक्सेस भी बहुत फास्ट मिलेगा. और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं फास्ट ट्रैक प्रोग्राम और जल्दी एक महीने में ही कुछ अच्छा इनकम अचीव करना चाहते हैं सो डेफिनेटली हमारे साथ कॉन्टैक्ट करिए, बात करिए अपने स्पॉन्सर से, आपको वो भी खुशी खुशी गाइड करेंगे. सो ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए. एंड इसकी रिकॉर्डिंग आपको जरूर मिल जाएगी.